हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिक्स फ्लेवर्स किचन। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन बिरयानी। बिरयानी बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप चावल। इसे हम अच्छी तरह से धोकर आधा घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। बिरयानी के लिए चावल उबालने के लिए हमने जितने चावल लिया उससे 4 गुना हम पानी लेके बॉइल कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे अपने खड़े मसाले। एक हम डाल देंगे तेज पत्ता, एक इलायची, 2-3 लौंग, 4 काली मिर्च और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। 1 चम्मच हम डालेंगे नमक। पानी बॉईल होने के बाद हम इसमें चावल डालकर उबाल देंगे। हम अपने चावल 50-60% तक कुक करेंगे। चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमने लिया है 1 किलो चिकन। सबसे पहले हम अपने चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 कप दही, 1 नमक, 1 लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हम डालेंगे बिरयानी मसाला 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 चम्मच, और इन सबको हम मिक्स करके आधे घंटे के लिए इसे रख देंगे। थोड़ी सी हम हल्दी भी डाल देते हैं 1/2 चम्मच। थोड़ा सा हम इसमें कटा हुआ धनिया भी डाल देंगे और इसे मैरिनेट करके 1.5-2 घंटे के लिए रख देंगे। आप चाहे फ्रिज में रख दो, चाहे इसे बाहर ही रख लो। अब हम अपने चावल को उबाल लेंगे। हमें अपने चावल को 60-70% तक ही कुक करना है। बिरयानी में डालने के लिए फ्राइड अनियन बनाने के लिए मैंने लंबे लंबे प्याज काट लिए हैं। इसे मैंने नमक लगा के थोड़ा सा पानी निकाल दिया है। अब हम इस पे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल करेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। अब हम इन अनियन को फ्राई कर लेंगे। हमें इन्हें बिल्कुल ब्राउन करना है। ब्राउन होने के बाद हम इन्हें निकाल देंगे। हमारे अनियन ब्राउन हो गए हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे एक पेपर टॉवल पे। ये अनियन बहुत क्रिस्पी हैं।
बिरयानी के लिए हमारे अनियंस फ्राई होके तैयार हैं। चिकन बनाने के लिए हमने कढ़ाई में ले लिया देसी घी, इसमें हम डाल देंगे स्लाइस किए हुए अनियंस, और इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे। हम डाल देंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन और इसे थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे। में हम डाल देंगे थोड़े से खड़े मसाले, एक बड़ी इलायची, दालचीनी, 3-4 लौंग, 2 छोटी इलायची और 3-4 काली मिर्च। अब हम इसे थोड़ी देर ढक कर कुक कर लेंगे। हम अपने चिकन को चेक कर लेंगे, इसमें अच्छा सा कलर लाने के लिए हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून पे इसे फिर से कुक होने देंगे। हमें इसे पूरी तरह से कुक नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही कुक करना है। हमारा चिकन थोड़ा कुक हो गया है 40-50% तक। अब हम एक फ्लैट बर्तन लेके उसमें लेयरिंग करेंगे। हमने ये एक फ्लैट सरफेस का बर्तन ले लिया है, नीचे मैंने तवा रख लिया है ताकि ये नीचे से जले नहीं। सबसे नीचे हम डाल देंगे चिकन के पीसेस, इसके ऊपर हम डाल देंगे अपने पके हुए 60% तक पके हुए चावल, इसके ऊपर हम डाल देंगे ब्राउन अनियन, थोड़ा सा हम डाल देंगे धनिया,
इसके ऊपर हम डाल देंगे 2 चम्मच देसी घी, हम डाल देंगे थोड़ा सा केसर वाला दूध, इसके ऊपर हम फिर से डाल देंगे अपना चिकन, इसके ऊपर फिर से हम लगा देंगे चावल की लेयर, इसके ऊपर हम डाल देंगे फिर से ब्राउन अनियंस, इसके ऊपर हम डाल देंगे धनिया, दो 3 चम्मच हम डाल देंगे देसी घी फिर से, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ ऑरेंज रेड कलर जिसे मैंने पानी में घोल लिया है, इसके ऊपर हम दे देंगे एक ढक्कन और इसे सील कर देंगे ढक्कन को हम, हमने इसे चारों तरफ से सील कर दिया है ताकि स्टीम बाहर ना निकले। इसी तरह से हम इसे बिल्कुल लो गैस पे आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। हमें अपनी बिरयानी को दम पर रखे हुए आधा घंटा हो गया है, अब हम अपना गैस बंद कर देंगे और 10-15 मिनट बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसे खोल कर देखेंगे। हमें गैस बंद किए हुए 10-15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे खोल कर देखते हैं। इसे खोल के मैं आपको फिर दिखाती हूँ। हमारी बिरयानी अच्छी तरह से बन गई है, अब हम इसे सर्व करेंगे।